गोट में टीकाकरण के बारे में बताएंगे जो कि बिल्कुल ही अलग होता है कैटल और बफेलो के टीकाकरण से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर वितेश मीणा। हमने पिछले वीडियो में जो होता है कैटल और बफेलो के टीकाकरण के बारे में बताया था, तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि हमारे गोट में भी क्या यही टीके लगना है या अलग टीके लगते हैं। तो हमने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस जो वीडियो में हमने गोट में टीकाकरण के बारे में बताएंगे जो कि बिल्कुल ही अलग होता है कैटल और बफेलो के टीकाकरण से। तो पहला टीका हम लगवाते हैं अपनी गोट में FMD का, जिसे फुट एंड माउथ डिसीज़ भी बोलते हैं। इसका टीका हमें जून के टाइम लगवाना है और लगने वाले जो गोट का बच्चा है उसमें की एज जो होती है वो 3 मंथ से अधिक होना चाहिए, और ये जो होता है हर 6 महीने में गोट में इस टीके को लगवाना है। इसके बाद टीका आता है PPR, जिसे प्लग भी बोलते हैं। ये टीका जो होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में कभी भी लगवा सकते हैं, लेकिन लगने वाले बच्चे की जो उम्र है वो 3 महीने से अधिक होना चाहिए, और इस टीके को 3 साल में एक बार लगवाना है। इस टीके को हर साल लगवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। फिर लगवाना हमें ईटी का टीका जो होता है फरवरी से दिसंबर के मध्य लगवाना है। लगने वाले बच्चे में जो उम्र है वो 3 मंथ से अधिक होना चाहिए, और ये हमें जो होता है हर 6 महीने में इस टीके को लगवाना होता है। फिर बात करते हैं हम गलघोंटू, ये टीका जो होता है जुलाई में लगता है, रेनी सीजन में लगता है। इसके बाद जो ये जो होता है टीका 3 से 6 महीने के बीच किसी भी आयु के जो होता है गोट के बच्चे में लग सकता है, लेकिन इस टीके को साल में एक ही बार जो होता है रेनी सीजन आता है जब लगवाना है। इसके बाद चेचक, जिसे हम जो होता है गोट पॉक्स भी बोला जाता है, ये भी जो होता है किसी भी मंथ में लगवा लेते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक समय नहीं होता। ये जो होता है लेकिन लगने वाले जो गोट का बच्चा होता है उसकी उम्र 4 महीने के आसपास, 4, 5, 6 ऐसी होना चाहिए, 3 महीने से अधिक होना चाहिए, और ये जो होता है टीका हमें हर साल जो होता है गोट में लगवाना है। फिर बात करते हैं ब्रुसेलोसिस, इसका भी कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, किसी भी समय इस टीके को लगवाया जा सकता है। और जो लगने वाले जो होता है गोट का बच्चा है उसकी उम्र जो होता है 6 महीने से अधिक होना चाहिए, और जो होता है ये जो होता है जीवन में एक ही बार इस टीके को हमें अपनी गोट में लगवाना है। यदि आपने इस टीकाकरण को फॉलो कर लिया और ये सारे टीके अपनी गोट में लगवा दिए, तो आपने जो होता है गोट की 80% बीमारियों पर रोकथाम कर लिए। इन टीकों को गोट में लगवाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और जो होता है हम अपावे जो होता है सफल गोट फार्मिंग के लिए टीकाकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक गोट फार्मर तक पहुंचाएं, जिससे कि वो भी समय पर अपनी गोट में इन टीकाओं को लगवा सके। धन्यवाद।